आज मैं खट्टा मीठा और चटपटा ये आम का छुंदा बनाने वाली हूँ। इसे रोटी पराठा या ठेपला के साथ खाते हैं। बच्चों को ये आम का छुंदा बहुत ही पसंद है। आप लंच बॉक्स में भी इसे डाल सकते हैं। इस रेसिपी को बनाकर साल भर रखा जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं ये चटपटा रेसिपी छुंदा। जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगेल अपने किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आम का छुंदा बनाने के लिए यहाँ पर मैं 750 ग्राम राजापुरी आम ले ली हूँ। आप कोई भी आम ले सकते हैं। इस आम को बहुत ही अच्छे तरीके से धो ली हूँ। अब इस आम को छील लेते हैं। आम को छीलने से पहले ही धोना है, छीलने के बाद कभी भी इसे धोना नहीं चाहिए। आम के छिलके को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं छील ली हूँ। सभी आम के छिलके को ऐसे ही छील लेना है। अब एक ग्रेटर की हेल्प से सभी आम को ऐसे ही ग्रेट कर लेना है। आम को पतला या मोटा कैसे ग्रेट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस पैन में छुंदा बनाना है उसी पैन में ग्रेट किए हुए आम को डाल देंगे। स्वाद के अनुसार काला नमक डाल देंगे और स्वाद के अनुसार ही सादा नमक डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। जितना आम है उतना ही शक्कर डालना है, तो यहाँ पर मैं 750 ग्राम शक्कर डाल दी हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पर गैस ऑन करके इस कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ। अब हाई फ्लेम में इसे पका लेना है। कढ़ाई के तले में चिपके ना, इसलिए पहले ही हमें मिक्स कर लेना है। अब धीरे धीरे शक्कर मेल्ट हो रहा है। ये टेस्टी छुंदा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। लगातार इसे चम्मच चलाते ही रहना है ताकि ये कढ़ाई में चिपके ना। ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। चाशनी जब एक तार की हो जाए तब तक इसे पका लेना है। अब चेक कर लेते हैं कि ये एक तार का हुआ है कि नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। हमें ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे गुनगुना होते तक इसे ठंडा कर लेना है। जब हल्का गुनगुना हो उसी समय हम सारे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दूंगी। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो तीखी वाली लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसीलिए तीखी वाली लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अब इसे हम एक जार में डाल देते हैं। इस छुंदा को साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।